बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों रात के 12 बजे हैं, सब लोग सो गए हैं और हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कल हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और आज हम लोग करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बच्चों आपने कल देखा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जे थॉमसन ने बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। सर वही एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गोल्डस्टीन ने और डिस्कवर कर दिया प्रोटॉन। तो आइए बच्चों देखते हैं गोल्डस्टीन ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में क्या चेंजेस किया और क्या होता है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में। हाँ ध्यान रखिएगा, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट यूज किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनोड रेज एक्सपेरिमेंट यूज होता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने क्या और कैसे किया बच्चों, ये तो क्लियर हुआ गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन बाय स्टडिंग एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, गोल्डस्टीन ने एनोड रेज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें इन्वेंट किया प्रोटॉन। आइए देखते हैं बच्चों, ये आप जानते हैं जिसको बोलते हैं ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहां पर दो मेटल के इलेक्ट्रोड फिट किए हुए हैं। एक मेटल का इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेट फॉर्म में है जिसको एनोड बोलते हैं और दूसरे वाला जो है वो कैथोड है, लेकिन कैथोड में छेद किए हुए हैं, होल किए हुए हैं, इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। एनोड और कैथोड को जोड़ देते हैं हम लोग बैटरी से। होता क्या है बच्चों, इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम लगाते हैं। आप जानते हैं वैक्यूम इसलिए लगाया जाता है ताकि इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ट्यूब के अंदर प्रेशर को काफी कम कर दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं 10^-4 to 10^-2 एटीएम तक प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर पे इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को भरते हैं और हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करते हैं। बच्चों आपने कल देखा था कि जब लो प्रेशर पे किसी भी गैस के अंदर हाई वोल्टेज पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, सेम वैसा ही यहीं पर होने वाला है। तो गोल्डस्टीन ने देखा, लेकिन वहां पर आप कोई भी गैस ले सकते हैं फॉर द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। लेकिन याद रखिएगा एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन की डिस्कवरी में हम लोग यहां पे लो प्रेशर में हाइड्रोजन गैस के अंदर हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं। हाई वोल्टेज करंट की वैल्यू आप जानते हैं, इट्स अबाउट 10,000 वोल्ट का करंट पास करते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये वोल्टेज पास करने पे गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कुछ इनविजिबल पार्टिकल निकलते हैं जिनको कैथोड रेज कहा गया, जो एनोड की तरह मूव करते हैं। गोल्डस्टीन ने ये भी देखा कि परफोरेटेड कैथोड यानी छेद वाले कैथोड के पीछे कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं जो कैथोड के पीछे की तरह मूव करती हैं। क्या है कि आपको क्लियर है, इनका नाम रखा गया एनोड रेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, ई बाय एम वैल्यू यानी चार्ज बाय मास वैल्यू हमने देखा था इलेक्ट्रॉन में फिक्स होती है, आप कोई भी गैस इसके अंदर लीजिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पे ई बाय एम वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि आपने अंदर कौन सा गैस लिया हुआ है। जैसे जैसे आप गैस चेंज करेंगे ई बाय एम का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में, वहां पर ई बाय एम का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। आगे चलते हैं, एनोड रेज पार्टिकल्स आर फाउंड पॉजिटिवली चार्ज। बच्चों जो यहां से फॉरवर्ड कैथोड के पीछे जो इनविजिबल पार्टिकल इनविजिबल एनोड रेज निकली, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनती हैं और इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन बोला जाता है। क्या आपको क्लियर है, आइए E by M value is found 1.6726 and 10^-27 kg। बच्चों यहाँ पर E by M value जो प्रोटॉन के लिए होती है वो 1.6726 into 10^-27 kg होती है और ये वैल्यू फिक्स रहती है केवल तब ही जब यहाँ पर गैस भरी होती है हाइड्रोजन। अगर आपने गैस चेंज की तो E by M value चेंज हो जाएगी। क्या ये आपको क्लियर है? तो बच्चों ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो गोल्डस्टीन ने किया था। नए मॉडिफिकेशन के बाद यहाँ पे दोबारा से एक्सपेरिमेंट को किया गया तो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या हो गया, एनोड रेज। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में एनोड से पार्टिकल्स एमिट होते हैं। आइए बच्चों अब पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चैडविक ऑब्टेन्ड अ चार्जलेस न्यूट्रल पार्टिकल नोन एज न्यूट्रॉन बाय बॉम्बार्डिंग फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ओवर द थिन फिल्म ऑफ बेरिलियम।
बेरिलियम। बच्चों न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने किया था, उसने बेरिलियम का फाइन सीट लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेपर है, ऐसा ही उसने वेरी थिन फिल्म वेरी थिन फॉइल लिया बेरिलियम का और उसके ऊपर उसने बम्बार्डिंग कराया फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर टकराए और टकराने के बाद बच्चों इसकी बैक साइड से यहां से बैक साइड से कुछ चार्ज लेस पार्टिकल एमिट हुए जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन, क्योंकि वो चार्ज लेस पार्टिकल पे चार्ज नहीं होता है, दे आर फाउंड न्यूट्रल, तो नाम क्या रखा न्यूट्रॉन। बच्चों अल्फा पार्टिकल हीलियम से दिखाते हैं, ये यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ये इनके मास नंबर है आप जानते हैं। तो बेरिलियम की थिन फिल्म पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग कराया जिससे बेरिलियम जो है वो कन्वर्ट हो गया कार्बन के अंदर और ये बना आपका चार्ज लेस न्यूट्रल पार्टिकल। बच्चों ध्यान रखिएगा दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाती है, जो वो रिएक्शन जिसके अंदर अल्फा बीटा गामा यूज करते हैं वो रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियर रिएक्शन। छोटी सी बात है पर बड़े पते की बात है। तो क्लियर हुआ बच्चों बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग कराया जिससे कार्बन और न्यूट्रॉन बना। बच्चों ये था हमारा न्यूट्रॉन चार्ज लेस न्यूट्रल पार्टिकल जो चैडविक ने आइसोलेट किया था। क्लियर है बच्चों? मास ऑफ न्यूट्रॉन was found 1.675 into 10 raised power minus 27 kg। बच्चों न्यूट्रॉन का मास kg में 1.675 into 10 raised power minus 27 होता है। तो बच्चों ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों अब तक हमने तीन पार्टिकल का डिस्कवरी पढ़ा, पहला पढ़ा इलेक्ट्रॉन, दूसरा पढ़ा प्रोटॉन और तीसरा पढ़ा हमने न्यूट्रॉन। तो उसकी एक समरी बनाई है, बड़े काम की है, आपको यहां से लेके बड़ी क्लास हायर क्लास तक ये यूज होने वाली है। अभी थोड़ा याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेबल मेंटेन किया हुआ है, टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं, पहले कॉलम में लिया हुआ है पार्टिकल्स, दूसरे में सिंबल, तीसरे में रिलेटिव चार्ज, चौथे में एब्सोल्यूट चार्ज लेंगे कूलम के अंदर, यूनिट कूलम रहेगा, नेक्स्ट कॉलम में मास ऑफ द पार्टिकल्स होगा केजी के अंदर, केजी यूनिट रहेगा, नेक्स्ट कॉलम में मास है बच्चों और ये मास का जो यूनिट होता है वो यूनिफाइड मास यू यू से दिखाते हैं, ये यूनिट होता है बच्चों, और नेक्स्ट लिया हुआ है रिलेटिव मास ऑफ दीज पार्टिकल्स। बच्चों आप देख पा रहे हैं तीन पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, प्रोटॉन का सिंबल पी होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल एन होता है। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 होता है, एब्सोल्यूट चार्ज -1.6022 into 10 power -19 कूलम होगा, इसका मास केजी में 9.11 into 10 power -31 केजी होता है और इसका यूनिफाइड मास होता है 0.0054 और रिलेटिव मास इसका बच्चों 0 होता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों प्रोटॉन, आपको पता है सिंबल पी होता है, रिलेटिव चार्ज +1 होगा, एब्सोल्यूट चार्ज कूलम के अंदर प्लस का 1.6022 into 10 raised power -19 होता है, इक्वली होता है एब्सोल्यूट चार्ज, बस चार्ज का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और आपका प्रोटॉन पे प्लस होता है, आप देख पा रहे हैं। मास केजी के अंदर 1.67 into 10 power -27 होगा और यूनिफाइड मास होता है 1.00727 और रिलेटिव मास 1 होगा। बच्चों बात करते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल N होगा, इस पे चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज 0 कहलाएगा, एब्सोल्यूट चार्ज भी 0 होगा, और उसका मास देखिए, मास जो है केजी में 1.675 into 10 raised power -27 होता है बच्चों, आगे देख पा रहे हैं यूनिफाइड मास 1.00867 होता है और रिलेटिव मास जो रहेगा वो 1 होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड समरी ऑफ दीज थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बच्चों याद पोस्ट कीजिए, नोट कीजिए, बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें आपको बताई हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगाइए और हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाइए, आज सीखेंगे आज काम आएगा और फ्यूचर में आपका काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।